तो दोस्तों जो इंस्टाग्राम जो बिल्कुल डिसेबल हो जा रहे हैं, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ जो मतलब गाइडलाइन को नहीं पढ़ते हैं, बस क्या करते हैं वीडियो अपलोडिंग जो भी ढकाना फैलाना सारा सब कुछ यहाँ पर लीगल काम करने लगे, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो हमें इसके वजह से तो हमके जो गाइडलाइन इंस्टाग्राम जो गाइडलाइन है हमको उस चीज़ को जानना जरूरी होता है। तो हम अगर गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा जो इंस्टाग्राम सेफ रहेगा, तो हमारा इंस्टाग्राम बिल्कुल सस्पेंड होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे आप लोग गाइडलाइन क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहले फर्स्ट नंबर आपको सभी लोग पता होगा कि ज़्यादा अगर ज़्यादा आप किसी को फॉलो अनफॉलो अगर एक दिन में 100 150 60 मतलब कि 60 70 80 अगर फॉलो कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो सो अनफॉलो करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इंस्टाग्राम पे ट्राई अगेन का प्रॉब्लम आ सकती है, और ट्राई अगेन के साथ साथ आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड भी हो सकता है। दोस्तों बात आई दूसरा रीजन, ठीक है, दूसरा गाइडलाइन ये है दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम में किसी को अगर गाली ग्रोज करते हो चैटिंग के द्वारा या मतलब वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो अगर आप चैटिंग अगर गाली ग्रोज करते हो, तो अगर आपको गाली ग्रोज में अगर वो बंदा आपको गाली ग्रोज नहीं दिया, तो अगर आप दे चुके हो तो आप क्या करेगा, आप जो वर्ड जो लिखे हो आपको वर्ड को स्पेस मार के अगर वो रिपोर्ट मार देगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये इंस्टाग्राम खुद बोल रहा था कि अगर आपको कोई अगर अपने इंस्टाग्राम गाली ग्रोज करते हो तो आपका अकाउंट जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों बिल्कुल बंद हो सकता है, बंद किया जाता है। तीसरा गाइडलाइन दोस्तों ये है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से अगर आप फेक फॉलोअर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको फेक फॉलोअर नहीं बढ़ाना है। जो मतलब क्या करते हैं कि एक दिन में 100 150 फॉलोअर बहुत सारी वीडियो मिलती है इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने के लिए। दोस्तों आप क्या करना, आपको इंस्टाग्राम फेक फॉलोअर कभी नहीं लेना है। जैसे वो इंस्टाग्राम को रिकमेंडेड में आएगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा दोस्तों, इसलिए आपको इस तरीके से बचना है, ठीक है। तो आपको इस गाइडलाइन का खिलाफ करना है। चौथा अपडेट दोस्तों ये है कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम में किसी अदर यानी किसी और का कॉन्टेंट अगर यूज करते हो, तो अपने इंस्टाग्राम में दोस्तों फिर भी आपका प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, बिल्कुल जो अपडेट आया है उसमें अपडेट आप चाहते पढ़ सकते हैं। सेटिंग के ऑप्शन में जाकर अपने इंस्टाग्राम बिल्कुल सारा वहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या आपको काम नहीं करना है, कैसे आपको इंस्टाग्राम में चलना है। तो आपको समझ में आ गया, अपने इंस्टाग्राम में कभी भी दूसरे कॉन्टेंट यूज नहीं करना, अपना खुद कॉन्टेंट यूज करो, पिक यूज जो भी आपकी कैटेगरी से उस चीज़ को आपको यूज करना। तो दोस्तों आगे बिल्कुल ये पाँचवा अपडेट है कि अपने इंस्टाग्राम में सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके इंस्टाग्राम सेक्सुअल कंटेंट है तो समझ लेगी आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा 1 घंटा के अंदर। करते हैं छठवा गाइडलाइन अपडेट, उसके मतलब कि छठवा गाइडलाइन क्या है कि आप बहुत ज़्यादा किसी मैसेज करते हो मैसेज मतलब वो बंदा या बंदी हो आप मतलब फॉलो नहीं कर रखा है आपको, लेकिन आप चाहते हो उसके मैसेज करो बार बार मैसेज, क्या होता है कि आपको मैसेज जाना बंद जाता है। ये सभी लोग पता हो कि आपको ये भी नहीं करना दोस्तों, अगर आप ज़्यादा मैसेज कर दोगे तो आप पर जो है ना वहाँ रेड कलर आने लगे, वहाँ बोलेगा नॉट सेंड मैसेज। फिर इसके बाद में अगर आप ज़्यादा कर दोगे रोज डेली करोगे तो आपका जो अकाउंट वो भी सस्पेंड हो सकता है, और उसके बाद में फिर आप पता ना आपका अकाउंट हाथ में आया ना आए, उसकी बात मैं तो गारंटी नहीं लेता हूँ। क्योंकि आप अगर आप अपने इंस्टाग्राम सेफ रखना चाहते हो तो इस सब जितना गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करो दोस्तों, आपका इंस्टाग्राम सेफ रहेगा, आप भी बिल्कुल अपने इंस्टाग्राम को आसानी से चला पाएंगे। बस दोस्तों ये छोटी सी आप इन्फॉर्मेशन दी, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन उसे ना दबा देना दोस्तों, आपको पता हमें इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तो बाय बाय टाटा बोल दो और सब्सक्राइब कर दो।